नाजिम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पामपुर के ज़ाफ़रान के खेतों का दौरा किया और ज़ाफ़रान की कटाई की सरगर्मियों और महकमा की मुदाखलतों का जायज़ा लिया। नाजिम ज़राअत ने फील्ड अफसरान पर जोर दिया कि वो ज़ाफ़रान के काश्तकारों के साथ करीबी तालमेल में काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि काश्तकारों को कटाई से पहले और फूल चुनने के कामों के दौरान मुनासिब रहनुमाई फराहम की जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नाजिम ज़राअत ने कहा कि महकमा ज़ाफ़रान की काश्त में मजीद नए इलाकों को लाने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि GI टैग ने कौमी और बैन अलाक़वामी सतह पर कश्मीर ज़ाफ़रान के लिए नई खिड़की खोल दी है। उन्होंने ज़ाफ़रान के काश्तकारों पर जोर दिया कि वो इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ाफ़रान तिजारती मरकज में दस्तयाब जदीद तरीन सहूलियात और तकनीकी मुदाखलतों से फ़ायदा उठाए। बाद अज़ा नाजिम ज़राअत ने ज़ाफ़रान की फसल पर मरकजी टीम के साथ एक इंटरैक्टिव मीटिंग की। इजलास में कश्मीर डिवीज़न में ज़ाफ़रान की फसल की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इजलास के शुरका के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। ज्वाइंट डायरेक्टर ज़राअत एक्सटेंशन GM धोबी, डायरेक्टर नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ज़ाफ़रान की फसल पर मरकजी टीम के नुमाइंदे भी मीटिंग में मौजूद थे।